हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए वृंदावन धाम की एक और वीडियो लेकर के। इसमें हम आपको अटल्ला चुंगी से टटिया आश्रम तक लेकर के चलेंगे और बताएंगे कि क्या टटिया आश्रम पर पानी भरा हुआ है। परिक्रमा मार्ग देखेंगे, क्या परिक्रमा मार्ग में पानी अभी भी भरा हुआ है या फिर सूख गया है। इससे पहले का वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें हमने आपको मथुरा जंक्शन से लेकर के वृंदावन तक की यात्रा कराई थी। तो बिना किसी देरी के यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अटल्ला चुंगी से निकल चुके हैं हम सीधे वृंदावन बस स्टैंड की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो, टूरिस्ट प्लेसेस के वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, आपसे हम एक हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं। हम एक वीडियो शूट करते हैं तो उसमें हमारा पूरा दिन चला जाता है। तो आप अगर यहाँ, हर तरह का इलाज संभव है, मुमकिन है, और ट्रस्टेड हॉस्पिटल है ये, ट्रस्ट के थ्रू यहाँ पर चलता है। तो हम सीधे चलते हैं वृंदावन बस स्टैंड की ओर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोपहर का समय है और भीड़ बहुत कम है। दोपहर के समय में भीड़ जो है शाम को और सुबह ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वृंदावन के मंदिर जो है सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर में 12:30 बजे तक खुलते हैं। उसके बाद में शाम को 4:30 से लेकर के रात को 8 बजे तक खुलते हैं। इस वजह से दोपहर में ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते हैं। और वैसे भी वृंदावन का मौसम जो है काफ़ी गर्म हो गया है, 2 दिन से धूप पड़ रही है काफ़ी तेज, और इस वजह से लोग दोपहर में सफ़र नहीं करते हैं। तो हम कर रहे हैं, आपको दिखाना है। ये समय बेस्ट होता है क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। भीड़ भाड़ जब होती है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो बस आ रही है, आपने देखी होगी, ये एसी वाली बस है। ये आपको वृंदावन बस स्टैंड से बरसाना, नंदगांव और गोकुल, यहाँ के लिए आपको मिल जाती है। और मथुरा बस स्टैंड से भी बस आपको मिल जाएगी। गोवर्धन जाना है या नंदगांव जाना है या बरसाना जाना है, वहाँ के लिए मिल जाती है। हाँ, मथुरा के नए बस स्टैंड से ये वाली बस आपको मिलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा जाम लग गया है क्योंकि बड़ी सी बस आ रही है एक, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं वृंदावन के बस स्टैंड पर। यहाँ से राइट हैंड पर आप देखेंगे ये, तो ये है बस स्टैंड वृंदावन। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और लेकर के चलते हैं आपको टटिया स्थान की तरफ। ये गलियाँ आपने हो सकता है देखी हों, और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये गलियाँ नहीं देखी हों। हम काम करते हैं उन लोगों के लिए जो वृंदावन आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, वृंदावन देखना तो चाहते हैं लेकिन देख नहीं सकते, वो आने में असमर्थ हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हमारे जितने भी दर्शक हमें देखते हैं बहुत प्यार करते हैं हमें, हम भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। और इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में रोड है, इधर आप जाओगे तो बांके बिहारी मंदिर के लिए ये रास्ता निकल जाता है। निधिवन, गोपेश्वर महादेव और वंशीवट लेफ्ट हैंड पर जो रास्ता गया है यहाँ से निकल जाता है। और जो सीधे रास्ता गया है ये भी आपको निधिवन लेकर के जाएगा, वहाँ की बिहारी मंदिर लेकर के जाएगा, केसी घाट लेकर के जाएगा, बंसीवट लेके जाएगा, गोपेश्वर महादेव। और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये रास्ता टटिया स्थान की तरफ जा रहा है, और यही वो स्थान है जहाँ पर रथ का मेला भी लगता है। रंगी का टेम्पल है, रंगी टेम्पल में से भगवान जगन्नाथ का मेला निकलता है, और ये पूरा जो स्थान है इसी जगह पर मेला लगता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आप देख सकते हैं इस स्थान को, आप पहचान लें। और इसी स्थान पर बुधवार के दिन बुध बाजार लगता है, इधर बस जो खड़ी है, तो यहाँ पर हर सामान मिल जाता है, सस्ते में अवेलेबल होता है। बुधवार के दिन यहाँ पर बुध बाजार लगता है, तो यहाँ पर सब्जी से लेकर, मसाले से लेकर, कपड़े से लेकर, जूते से लेकर, चप्पल से लेकर, हर कुछ अवेलेबल है। तो चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को बाहर के लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये लोग इस रास्ते को पता कर लेते हैं। और देखो, 4-व्हीलर लेकर के इस रास्ते में घुस रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि हम मंदिर तक गाड़ी में बैठ कर जाएँ एसी वाली में, और प्रभु के दर्शन कर लें और अपने घर एसी में बैठ कर चले जाएँ, थोड़ा भी कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रास्ते का ज़्यादा मालूम नहीं है किसी को, लेकिन इस रास्ते में भी गाड़ी ये लेकर के आ गए हैं। गाड़ी दिल्ली की लग रही है मुझे, तो इन लोगों को ज़रा भी परवाह नहीं है। और जो हरियाणा की साइड के जो लोग आते हैं, वो गाड़ी में कुछ खाया, पाउच खाया, नमकीन खाई, फेंक दी, बोतल में पानी पिया, फेंक दिया, इस तरह से यहाँ पर गंदगी फैला देते हैं। और हमारे कुछ दर्शक हमसे बोलते हैं कि वृंदावन में बहुत गंदगी है ना, तो गंदगी हम लोग नहीं करते हैं दोस्तों, गंदगी जो बाहर से लोग आते हैं ना वो फैलाते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये पुंज गलियां हैं यहाँ की, और हम टटिया स्थान पर पहुँचने ही वाले हैं। इसी गली में आगे टटिया स्थान पड़ेगा राइट हैंड पर। अब देखो यहाँ पर ये जाम लगा दिया गाड़ियों ने, ऐसी जगह पर घुसा करके लाते हैं जहाँ पर निकलने की जगह नहीं होती। पता नहीं कितना वक्त लगाएंगे ये लोग। तो दिल्ली का नंबर है DL12। तो देखो कितनी पतली सी गली में ये लेकर के आ गए हैं, इसमें से कोई गाड़ी थोड़ी ना क्रॉस होती है, पैदल चलने की रास्ता है, कुंज गली है ये, लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों ने गाड़ी फंसा रखी है। बताओ, अरे पार्किंग में लगा दो गाड़ी, उसके बाद में पैदल घूमो, वृंदावन में घूमने का आनंद तो पैदल आता है ना, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, लोगों को तो मंदिर तक गाड़ी में बैठकर ही जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस गली में छोटे मोटे बहुत सारे आश्रम भी हैं, साधु बाबा बहुत रहते हैं या संत बाबा बहुत रहते हैं यहाँ पर। वृंदावन संतों का ही शहर है ये समझ लो। तो चलते हैं फटाफट से और दिखाते हैं आपको टटिया स्थान। टटिया स्थान के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। टटिया स्थान वृंदावन की एकमात्र ऐसी जगह है जो अभी भी 5,000 वर्ष पहले वृंदावन की फील देता है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी आज की टेक्नोलॉजी की चीज़ नहीं है, यहाँ तक कि इस आश्रम में लाइट भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये है टटिया स्थान। तो यहाँ पर पानी तो नहीं भरा है दोस्तों, पानी पहले आ गया था लेकिन अब पानी सूख चुका है पूरे आश्रम में, तो आप आश्रम तक आ सकते हैं। तो दोस्तों इस आश्रम के अंदर लाइट तक नहीं है, दीपक जलते हैं अभी भी, पंखे नहीं हैं, कोई मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जा सकता है, तो अभी भी वही पुराना वृंदावन फील होता है इस आश्रम में अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो तो। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। बाकी के आपने प्रेमानंद जी महाराज देखे होंगे, तो उनके यहाँ पर भी वो तो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि उनका चैनल जो है यूट्यूब पे 2-3 चैनल हैं, तो वो तो चैनल के माध्यम से ही कनेक्ट रहते हैं अपने भक्तों से। तो देख सकते हैं आप, ये था टटिया आश्रम। अब चलते हैं हम परिक्रमा मार्ग की तरफ और दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर पानी है या नहीं है। तो यहाँ तक तो पानी नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आप परिक्रमा मार्ग आ गया है, राइट और लेफ्ट देख सकते हो, ये सीधे जो गेट सा बन रहा है देवरा बाबा मंदिर के लिए रास्ता गया है। और यहाँ देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग है और सुदामा कुटी की तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं भरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक पानी नहीं है, लेकिन सुदामा कुटी से आगे पानी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, कैसी व्यवस्था है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, पानी भरना यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा निचला क्षेत्र पड़ जाता है और यमुना मैया के किनारे पर, बिल्कुल किनारे पर है। तो यहाँ देख सकते हैं ये मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, ये भी पानी में डूबा हुआ है। और मेरे लेफ्ट हैंड पर आप ये देख सकते होंगे छोटा सा गेट लगा हुआ है, श्री जगन्नाथ रसोई। यहाँ पर 20 रुपये में आपको पेट भर के खाना मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सुदामा कुटी मार्ग है ये, और यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं वो बहुत आनंद ले रहे हैं यमुना जी के पानी का। और यहाँ देख सकते हैं आप कि पूरा जो है पानी पानी हो रहा है यहाँ पर, ये देखो पूरा क्षेत्र जो है पानी पानी हो रहा है, सारा जमुना जी का पानी यहाँ पर आ गया है। और आगे की रास्ता जो है वो पानी से भरी हुई है, तो हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। यहाँ से आगे जो स्थान पड़ेगा वो केसी घाट पड़ेगा, उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं एक गाड़ी लेकर के कोई चले गए थे भाई साहब, तो वो बैक करके ला रहे हैं क्योंकि आगे ज़्यादा पानी है, गाड़ी डूब जाएगी। तो ये है फिलहाल की स्थिति परिक्रमा मार्ग की। तो परिक्रमा आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो पैदल, गाड़ी वगैरह नहीं निकल सकती, लेकिन पैदल आप परिक्रमा लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और ये पूरा क्षेत्र जो है पानी में डूबा हुआ है, इसी जगह पर जो है कुंभ मेला लगा था वृंदावन का, मेरे राइट हैंड पर। तो इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करेंगे। और अगर हमारी हेल्प करना चाहते हो, हमारी जर्नी में हेल्प करना चाहते हो तुम, तो